ervah-ı ezelde ruhumuzu düğümlere dökmek düşmüş bizim payımıza. Bu diyarın kadınları motiflerle söyler sözünü. Yasını düğümlere, renklere döker. Meşakkatlidir halı dokumak. Düğüm düğüm, sabır sabır, emekle, alın teriyle, kanla yazılan bir hikayedir bu. Burası Antakya. Güzel insanların, atların, türkülerin diyarı. Yetim ve öksüz bırakılmışız. Fransız mezalimini boynumuza bir ilmek gibi geçirmişler. Lakin biliyoruz, bu topraklar özüne dönecek. Yeniden Türk yurdu olacak. Ahdımız var. Bir gün biri gelecek. Zülfikar'ı Salim'in boynuna dayayacak. O gün yeniden bu şehrin göklerinde al bayrak dalgalanacak. Ben Aliye Tümne. दिखाओ बहुत प्यारा बनाया है तुमने तो ये सीख लिया ऐसी चीजें मुझे अच्छे से आती हैं अच्छी बात है अजीज बेटा तुम वहां क्या कर रहे हो मैंने ये बेसमेंट में देखा था इसका एक पीस टूटा हुआ था सोचा लगा दूं उसे अरे बेटा तुम क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो चलो बेटा मैं सोने जा रही हूँ जी आराम से सोइएगा और तुम भी अब सो जाना चलो बेटा अजीज मैं सोने जा रही हूँ गुड नाइट आंटी गुड नाइट बेटा अजीमे तुमने मेरा बिस्तर लगाया जब देखो अजीमे ये औरत एक मिनट के लिए भी मुझे सांस लेने नहीं दे रही तंग आ गई हूँ मैं ए खुदा मेरी मदद कर मैं तो रगड़ रगड़ के थक गई हूँ लेकिन इसको तो दाग ही नहीं जा रहा अगर ये दाग नहीं मिटा तो मेरी तो शामत आ जाएगी ए खुदा मुझ पे रहम कर बचा ले मुझे अजीमे फिर से बुला रही है मुझे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस मुसीबत से मैं कैसे जान छुड़ाऊं इसे साफ कर करके तो मैं थक गई हूँ अजीमे अरे आ रही हूँ मैडम आ रही हूँ अरे क्या करूँ मैं तो पागल हो जाऊँ अजीमे जी जी आ रही हूँ मैडम आ रही हूँ बस अभी आई आ रही हूँ इसका क्या करूँ बाद में साफ करूँगी अजीमे बस आ रही हूँ निगार साहिबा आ रही हूँ आ रही हूँ आ गई बस काम मुकम्मल कर लिया है क्या हाँ हो गया बस हाँ तो क्या आप इसे अभी चलाने वाले हैं ये तो काम करने लगा है ये मेरा पसंदीदा गाना है बहुत खूबसूरत है मैं तुम्हें सब बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है और मैं सब कुछ जानूंगा जो तुम्हें पसंद है लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता मैं सिखा दूंगा तुम्हें Yaktın beni.
इन सब मुश्किलों के दरमियान एक तुम ही हो जो मुझे मुस्कुराहट देती हो। मैं खुशनसीब हूं। अस्लान, ओवन से प्लेटें निकाल लो वरना जल जाएंगी। जी मैं निकाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। सामान ले आए तुम? मैं सब चीजें यहाँ ले आओ। मुझे दो। हाँ अजीमे, तुम एक काम करना, शरबत बनाने के बाद आटा गूंद लेना और जरा जल्दी करना। क्या शरबत बनाने के बाद आटा गूंदना है? अजीमे अपना मुंह बंद करो और काम में हाथ तेज चलाओ। जरा जल्दी करो, हमारे पास बहुत काम पड़े हैं। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो, उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? जब देखो बुद्ध बन के खड़े रहते हो। चलो तुम भी कुछ काम करो। अपने बाल मत खींचो, मत खींचो ऐसे, मेरा सारे बाल खराब हो जाएंगे, फिर इन्हें बांधना मुश्किल हो जाएगा। जब तक मंगनी नहीं हो जाती तुम अपने बालों को हाथ नहीं लगाओगी। बाल कटवा लूं क्या अपने? अरे नहीं बेटा, अभी जो तुम्हारे बालों का हेयर स्टाइल बना हुआ है ना, उसे खराब नहीं करो। ठीक है जैसा आप कहें। आप लोग फिक्र नहीं करें, हमने सब तैयारियां कर ली हैं, अब किसी चीज की कमी नहीं। कौन सी तैयारी कर ली? हाँ कौन सी तैयारी, कुछ तैयारियां नहीं हुई अभी। मुझे तो घुटन हो रही है। काश मेरा भाई यदीप भी यहां मौजूद होता, फिर वो भी अपने बेटे की शादी देख पाता। बिल्कुल सही कहा, अगर वो यहां मौजूद होते तो अजीज साहब ज्यादा खुश होते। पर कोई बात नहीं, उनकी आंटी तो है ना। मेरी प्यारी बच्ची, शुक्र है कि आप ही मुझे पसंद करती हैं। अजीमे जाओ जाके दरवाजे पे देखो कौन है। जैसे मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, बस दरवाजा खोलते रहो। मेरे अल्लाह मैं क्या करूं। चलाओ बेटी हम किचन से बाहर चलते हैं, ये किचन तुम्हारे हवाले है। तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े, क्या कर रहे हो बेअदब? मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह तुम जिंदा कैसे हो। तुम ही हो जो ऐसी हरकतें कर सकते हो। अस्लान नजर रखो इस पे वरना ये सब कुछ खा जाएगा। ठीक है मैडम, ये वापस दो। तुम पागल हो क्या? तुम्हें बस खाने की फिक्र है। इसका क्या करूं अब मैं? मुझे क्या पता, जो मर्जी करो। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। आप यहाँ रुके मैं बुलाती हूँ। हाँ नानी आ गई। ये देखो इफ़नान, हमारे घर कौन आया है, इस अंताकिया शहर की सबसे बड़ी शख्सियत। अरे भाई कितना बोलती हो। खुश आमदीद नानी। इफ़नान इनसे मिले, ये अजीज साहब की फूफो हैं, निगार साहिबा। हाँ जानती हूँ इन्हें, निगार साहिबा। और वो इफ़नान है। अरे तुम मेरे कान पर मत चिल्लाओ, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। आजिए अंदर चलिए नानी। आइए अंदर चलिए आप। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। ये सुन सकती हैं मगर देख नहीं सकती। मुझे पता है अजीमे, जानती हूँ मैं। ठीक है मगर मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ। बहुत अच्छा किया नानी जो आप यहाँ आ गई। शुक्रिया, मैंने कहा था ना जब तुम तैयार हो रही होगी तब मैं साथ आऊंगी। क्या आप कुछ लेंगी? मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। कुछ लेंगी क्या नानी आप? हाँ जरूर। तुम्हारे लिए भी? हाँ ले आइए। उनसे पूछ तो लो वो पियेंगी क्या। ठीक है ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। आपके लिए मैं कॉफी ले आऊँ? हाँ तुम ले आओ, मैं पी लूंगी। पी लेंगी। चीनी कम रखना। ठीक है। बेटा अजीज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाबा ने इसी बंदूक से खुदकुशी की थी। अब तुम मुझे बताओ कि कौन चाहता था कि मेरे बाबा की मौत की रिपोर्ट पर खुदकुशी लिखो। बाबा ने तुम्हारी खुदकुशी की थी अजीज साहब। मैं कहता हूँ बताओ, प्लीज बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। प्लीज मुझ पर से गन हटाइए। मैं जानता हूँ मेरे बाबा अपनी जान नहीं ले सकते। बताओ मुझे कि तुम क्या जानते हो।
तुम्हारे बाबा। अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ बिल्कुल किसी मॉडल की तरह, हमारी बेटी का चेहरा और खूबसूरत दिखे। अगर आप इजाजत दे तो हम शुरू करें। हाँ हाँ शुरू कीजिए। क्या मैं आपका ड्रेस देख सकती हूँ ताकि मैं उसी के मुताबिक आपका मेकअप करूँ? ठीक है दिखाती हूँ। अजीमे 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 जी मैडम। जाके ड्रेस लेकर आओ। कौन सा ड्रेस? ड्रेस दिया था ना तुम्हें स्त्री के लिए, याद नहीं है क्या? अच्छा वो ड्रेस। जल्दी जाओ। आज मुझे निगार मैडम नहीं छोड़ेंगी। ए खुदा आज इस मुश्किल से निकाल दे मुझे, आज तो कोई मौत से दिखा दे, बचा ले मुझे। इसके बाल पीछे करेंगे तो इसका चेहरा और हसीन लगेगा। अजीमे, अरे तुम खाली हाथ क्यों आई हो और तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या छुपा रही हो? ये क्या है, तुमने क्या किया है ड्रेस के साथ? ओ, ये मेरा कितना खूबसूरत जोड़ा था खराब कर दिया। या मेरे खुदा ये तुमने क्या किया है ड्रेस के साथ? वो दरवाजे पर कोई आया है, मैं देखती हूँ। ए अल्लाह तू ही हमारी मदद करना। अब तुम क्या पहनोगी बेटी, क्या करेंगे हम? निगार साहिबा वैसा करना नहीं चाहती थी, गलती से हो गया ये। किसी भी वजह से हुआ हो इफ़नान, लेकिन अब तुम पहनोगी क्या? हाय अल्लाह क्या होगा। ये देखो कौन आया है। मिस सुरैया, खुदा ने आपको भेजा है। मुझे अजीज साहब ने भेजा है। अजीज साहब ने भेजा है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये ड्रेस उन्होंने भेजा है। हाय कितना खूबसूरत जोड़ा है, देखिए ना। चलिए अब जल्दी से पहनकर इसे ट्राई करें, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नर्म मुलायम पर भी लगे इस पर। अजीज ने तुम्हें रेड कलर का जोड़ा भेजा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। पसंद आया तुमको? हाँ नानी बहुत ही अच्छा है, खासकर लाल रंग का है। अजीज की पसंद बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुरैया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। ए खुदा तू बहुत बड़ा है, तूने आज मौजा दिखाकर मेरी इज्जत रख ली। क्या अब हम अपना काम करें? आ जाए मैडम, आइए बैठिए। अजीमे अजीमे अजीज साहब, ये क्या हो रहा है? मुहियुद्दीन, मैंने उसे पकड़ लिया था, वो मुझे रोड पे मिल गया था। जैसे ही वो मुझे बताने लगा मुझ पर पीछे से किसी ने हमला कर दिया। हमलावर को देखा आपने? देखने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो कौन है। पियर, जब मुझे होश आया तो मैंने डॉक्टर को हर जगह ढूंढा, पूरे शहर में तलाश किया, या तो वो कहीं छुप गया या फिर शहर छोड़कर चला गया। मेरी बात सुनो, तुम कहते हो कि तुम्हें मालूम है शहर में चूहों का बसेरा कहाँ है, वो जहाँ भी छुपा है उसके शहर छोड़ने से पहले उसे ढूंढो। वो किसी सूरत यहाँ से जाना नहीं चाहिए, ये जिंदगी और मौत का मसला है। तुम उसे ढूंढो, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। वो मुझे गोली मार देता अगर वहां पर फ्रैंक उस वक्त पर नहीं पहुंचता, तो वो मुझे मार देता। मुझे लगता है कि अजीज जान गया है कि उसके बाबा ने खुदकुशी नहीं की। मुझे अब उसकी हरकतों से डर लगने लगा है, मैं बहुत परेशान हूं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, कोई रास्ता निकाले मेरे लिए। आपको बहुत जल्द इस शहर से जाना होगा, और यहां से जाने से पहले अजीज को हर एक बात सच सच बतानी होगी। कौन सा सच, कैसा सच? मेरा सच। अजीज जानना चाहता है कि उसके वालिद की कैसे मौत हुई थी। पहले हमें गालिब साहब से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें गालिब साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि आप शहर से बाहर जा रहे हैं और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं आप वही करें।
और जो मैंने कहा है वो आपके लिए काफी है। तो उसने तुम्हें अपनी मंगनी की तकरीब में बुलाया है? जब से बैंक के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसे मुझ पर मुकम्मल भरोसा है। अजीज एक अकलमंद शख्स है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। तुमने पहली बार मुझे हैरत में डाला है। मैं तैयार हूँ आजम, क्या हम चलें? दिलरुबा, अजीज साहब, अजीज साहब, आपके पास गन? मेरे बाबा की गन। आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। आप घर नहीं जा रहे? आज तो आपकी मंगनी है ना अजीज साहब। अगर आप कहें तो मैं वहां जाकर कह दूं कि आपका इंतजार ना करें। नहीं नहीं, रहने दो, किसी को परेशान मत करना। जमील, क्या हुआ? अजीज अभी तक क्यों नहीं आया? अजीज साहब, उनका कुछ पता नहीं कि कब आए, लेकिन आएंगे जरूर। सब लोग आ गए हैं लेकिन अजीज नहीं आया, मुझे फिक्र हो रही है। आप परेशान मत हो, आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेहमानों के साथ वक्त गुजारो, उनका ख्याल रखो, और खबरदार कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए, समझे? कुछ भी गलत किया तो तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी। अरे वो देखो, मैं सिफ्की आ गई। वेलकम, आपको देख कर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश आमदी। बस अभी आई। नानी को देखकर। हाँ हाँ, नानी, पहले कपड़ों की परेशानी, फिर निगार साहिबा की, अब अजीज साहब भी नहीं आए हैं। वो जरूर आएगा, तुम फिक्र मत करो। अगर नहीं आए तो? किसी काम में फंस गया होगा, शायद वो खत्म करके आए। अजीज आ गया। अजीज कहाँ गायब थे बेटा? तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। कुछ जरूरी काम था आंटी। क्या हुआ? अजीज साहब आ गए। हाँ।
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कपड़े आपने खरीदे? आप ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। एक बार फिर देख लूँ तुम्हें, बहुत प्यारी लग रही हो। लॉर्ड लंग बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। अजीज को लाल रंग बहुत पसंद है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फिर कोई तमाशा करने आए हो आजम? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? वेलकम आजम। शुक्रिया बहुत। मुझे समझ नहीं आता कभी तुम्हारा मिजाज अच्छा होता है कभी बुरा। मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। इफ़नान बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया दिलरुबा साहिबा, तुम पर ये रंग अच्छा लग रहा है। आप पर भी। साहब हम लोग यहां और कितनी देर रुकेंगे? जब तक सही वक्त नहीं आ जाता। सब्र करो और इंतजार करो। तुम्हारी आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। दिलरुबा तुम यहां पर क्या कर रही हो? अजीज तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं कारखाने गई थी लेकिन वहां बात नहीं हो पाई। देखो प्लीज बाहर जाओ, लोग गलत समझेंगे। अजीज एक बार सुन तो लो तुम मुझे। ये बात मुझे तकलीफ दे रही है कि तुम मुझे बुरा समझ रहे हो। दिलरुबा ये बात करने की सही जगह नहीं है। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे, तुम्हारे अंकल के बारे में करनी है। जिस रात तुम्हारे बाबा मरे, मिस्टर गालिब यहीं पर थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो दिलरुबा? उन्होंने तुमसे ऐसा कहा ना कि वो तुम्हारे बाबा से बहुत वक्त से नहीं मिले। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं तुम्हारे बाबा से यहाँ मिलने आई, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अक्सर यहाँ आती थी। हम बहुत देर तक बातें करते थे। उस रात मिस्टर गालिब यहीं थे। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? हाँ मुझे यकीन है, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जैसे ही मिस्टर गालिब बाहर आए तो मैं छुप गई थी। हाँ एक बात और है, वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। या खुदा मैं सोच भी नहीं सकता। अजीज बस यही बात थी जो मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी। और याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजीज क्या कर रहे हो? मेरे अंकल को मुझे इस बात का जवाब देना होगा। अजीज, अजीज साहब। पर क्या कर रही है? इफ़नान ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। साहब, साहब ये आपके लिए आया है। अजीज साहब मैं आज रात शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपके बाबा की मौत के बारे में आपको सब कुछ सारी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि ये बोझ मैं और अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। स्टेशन के पास जो हवेली है मैं वहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर इफ़नान कुछ मत बोलो, मुझे जाना होगा। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। इफ़नान। अजीज साहब नहीं कीजिए ऐसा, हमारी मंगनी है। इफ़नान मैं कुछ नहीं कर रहा, एक जरूरी काम है, जाना होगा।
अजीज, क्या हुआ, कोई मसला है क्या? अजीज, वो घोड़ा मेरा है। अजीज, अजीज के नाम क्या हो गया? मुझे नहीं पता, उसको मुबारकबाद देना आया था, लेकिन मेरा ही घोड़ा ले गया। अजीज साहब को आपने क्या कहा? उस कमरे में क्या कर रही थी? इफ़नान खामोश हो जाओ, तुम जो बात करी हो लोग सुनेंगे तो गलत समझेंगे। तो बोलिए, बताइए कि वो अपनी मंगनी छोड़कर कहाँ चले गए हैं? नहीं बता सकती। बताना होगा। इफ़नान रोना बंद करो। अजीज साहब कहाँ गए हैं? मुझे नहीं मालूम। इफ़नान! अच्छा, तो तुम अपने बाप के बगैर मंगनी कर रही थी। अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप को भूल गई। चले जाइए, खुदा का वास्ता चले जाइए। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, नहीं जाऊंगा। यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से खुशी हासिल हुई, उसे बर्बाद नहीं कीजिए। चले जाइए यहाँ से, भीख मांगती हूँ। आपको रहम नहीं आता मुझ पर? तुम रहम के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हारे दिल में बाप के लिए जरा भी मोहब्बत होती तो तुम आज मुझे जरूर बुलाती। क्या मुझे कभी अपनी बेटी समझा? चले जाइए। चुप हो जाओ, जरा अपना लिबास देखो। तुम्हें लगता है ऐसे कपड़े पहनकर और इनके साथ रहकर तुम इनकी तरह हो जाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम खुद को चाहे कितना ही बदल लो, रहोगी मेरी बेटी, समझी? चलो निकलो, बाहर जाओ यहां। पीछे हटो। तुम कौन होते हो? हाँ, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है। मेरी बेटी की बड़े घर में शादी हो रही है और मुझसे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो या नहीं। पूछा किसी ने? वैसी इश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इफ़नान को किसी भी बारे में कुछ नहीं कह सकते। चुप करो बुढ़िया। देखा तुम लोगों ने, मुझे क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि मैं एक माजूर और गरीब इंसान हूँ। मैं इनकी हैसियत के बराबर का नहीं हूँ, बस यही मेरी गलती है। तुम तो शादी करके वहाँ ऐश करोगी, लेकिन तुम्हारा बाप तो घुटनों पर चल रहा होगा। अजीज को शादी करनी है तो मुझे एक रकम दे। चलो यहाँ से, पीछे जाओ। उसको तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मैं इफ़नान का बाप हूँ, छोड़ो मुझे। मैं अजीज को ये शादी नहीं करने दूंगा। चलो बाहर जाओ, चलो, छोड़ो मुझे, निकालो बाहर इसको यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मिस्टर पियर ने कोई पैगाम भेजा है? हाँ, एक आखिरी पैगाम है उनका। वो क्या? मैंने तो पियर का हर हुक्म माना, और अब वो क्यों ऐसा कर रहा है? मिस्टर गालिब, उनकी तरफ से अब तक वफादार रहने के लिए शुक्रिया। अब आपकी जरूरत नहीं।
अफनान, तुम्हें ऐसे देख के दुख हो रहा है, उसका पीछा करो। मुहिद्दीन साहब, मुहिद्दीन साहब, मुहिद्दीन साहब, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, मुहिद्दीन साहब, मुहिद्दीन साहब, प्लीज अपनी आंखें खोलिए, आप मुझे सच बताने से पहले नहीं मर सकते। मुहिद्दीन साहब, प्लीज मुझे बताइए, किसने कहा था कि मेरे बाबा की मौत पर खुदकुशी लिखे? मुहिद्दीन साहब, आंखें खोलिए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। तुम्हारे अंकल, उन्होंने ही किया है सब। अंकल, अंकल, आप बहुत मेहरबान हैं मिस्टर गालिब। ये मेहरबानी नहीं है, आपकी मदद का बदला है। सही कह रहे हैं आप, अगर मिस्टर डेलीगेट की साजिश के बारे में आपको नहीं बताया होता तो अजीज आपके सामने बंदूक ताने खड़ा हो जाता। शुक्रिया, मेरा ख्याल है अब आपको जाना चाहिए, यहां किसी ने देखा आपको तो ठीक नहीं होगा। ठीक कहा। तो मिस्टर पियर, आप मुझे खेल से बाहर निकालना चाहते हैं। इफ़नान, क्या तुम अपनी मंगनी की रस्म में नहीं गई? यहां इस रास्ते पर क्या कर रही हो? मैं मज़ीद शर्मिंदा होना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वहां नहीं रुकी। क्या मुझे आप तौर तरीके सिखाएंगे? मैं भी उन जैसा बनना चाहती हूं। अजीज, इस सब के लिए, अमीर होने के लिए, सब कुछ अपना करने के लिए ये सब किया। ये क्या बकवास है? जानते हैं ये कौन सी गन है जो मेरे हाथ में है? हाँ, नहीं जानते तो मैं बताता हूं।
जब मेरे बाबा की मौत हुई तो यही गन उनके हाथ में थी। गन को नीचे करो। ये इतना कीमती था कि आपने अपने भाई की जान ले ली? क्या ये इतना कीमती था कि आपने अपने भाई की जान ले ली? मैंने ऐसा नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं जानता हूं कि मेरे बाबा को आपने ही मारा। नहीं किया मैंने। अभी भी आप इनकार कर रहे हैं। जरूरत नहीं, बस करें। आपने डॉक्टर को भी मरवा दिया क्योंकि वो मुझे सच बताने वाला था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपने भाई को मार दूं। चुप हो जाइए, चुप, और झूठ मत बोलिए। मार दो, मार दो मुझे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने सब कुछ छीन लिया। लेकिन मेरे बाबा मुझसे क्यों छीन? कई साल पहले बाबा ने इस गन की पिन तोड़ दी थी। इस गन से फायर नहीं हो सकता, गोली नहीं चल सकती इससे। मेरे बाबा को कत्ल किया गया है और आपने उन्हें मारा है। अजीज, मदद करो, अजीज मदद करो, मदद करो मेरी माता। माता मदद करो मेरी। मुझे सच बताए बिना आप नहीं मर सकते। ये इतना आसान नहीं है गालिब साहब। गालिब साहब, गालिब साहब, गालिब साहब, अजीज क्या किया तुमने? क्या किया तुमने इनके साथ? डॉक्टर को बुलाइए मिस अंदान। गालिब साहब, गालिब साहब, मिस अंदान जल्दी। आंखें खोलिए, मुझे सच बताए बिना आप नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, हमारी पायदार फैमिली की सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदगी हुई। या अल्लाह, ये किन गुनाहों की सजा है? ऐ खुदा, हमें ऐसे इम्तिहान में ना डालना जिसमें हम हार जाएं। आखिर में अच्छा ही होगा। पूरा अंताकिया हमारे बारे में बातें करेगा, क्या मैं इससे परेशान नहीं हूँ? शर्मिंदगी की बात है, उसके बाबा ने जो अल्फाज बोले वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन गलती अजीज की है, वो लड़की को यहाँ अकेला छोड़कर खुद चला गया। क्या वो उससे प्यार करता है? वो करता है प्यार, उस बहुत करता है। प्यार करता है उसे, चाहता है उसे, तो इंसान अपनी मंगनी छोड़कर इस तरह कहीं जाता है क्या, बताओ मुझे? लेकिन मुझे इस सब की वजह अच्छी तरह मालूम है। उस शैतान दिलरुबा के यहाँ कदम रखते ही मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। उसकी माँ की तरह उसकी नजरें भी बुरी हैं।
इतनी बुरी नजर है इन दोनों की कि अपनी नजरों से ही उसने इफ़नान और अजीज को अलग कर दिया। अरे क्या तुम्हें इफ़नान मिली? मैडम मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने खेत की तरफ जाते हुए रास्तों पर भी देखा, लोगों से पूछा भी, उसे किसी ने भी नहीं देखा। आखिर समझ नहीं आ रहा इफ़नान गई कहां। मैं ढूंढूंगी। आप रात के इस वक्त उसे कहां ढूंढने जाएंगी? रुक जाएं। इफ़नान को जानती हूँ, ढूंढ लूंगी उसे, तुम फिक्र मत करो। अरे कहां जा रही हैं? या खुदाया, ख्याल से जाइएगा, टाइम बहुत। आप यहाँ आ जाएं, यहाँ बैठे। अजीमे जी, ये औरत रात के इस वक्त उसे कहाँ ढूंढेगी? वो ठीक से देख भी नहीं सकती। वो मिल भी गई तो ये उसे देखेंगी कैसे? क्या आपको याद नहीं कि मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? ये कि वो सुन सकती है मगर देख नहीं सकती। वो ये सब अपनी रूहानी आँख से और अपने दिल से देखती है। अजीब बात है, पता है लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो उड़ती भी है। हाँ, लोग कहते हैं कि उसके एकदम से पर निकल आते हैं और जैसे ही उसके पर निकलते हैं वो एकदम से हवा में उड़ने लगती है। हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई देख सकती है वो। मिस्टर गालिब का दिल बहुत कमजोर हो गया है और इस तरह की चीजें इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा आप ठीक तो हैं? डॉक्टर क्या हुआ बाबा को? मिस्टर आजम, आपके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर सुबह तक इन्होंने अपनी आंखें खोल ली तो शायद इनकी तबीयत में बेहतरी आ जाए, क्योंकि इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। कोई तो दवाई असर करेगी इन्हें, हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। मैंने वो सब कर लिया जिसकी जरूरत थी, अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। मैं कल सुबह इनको देखने फिर आऊंगा, इनका ख्याल रखिएगा। बाबा, मिसंदान, ये कैसे हुआ? तुम ये बात अजीज से पूछो। जब मैं वहाँ पहुँची मिस्टर गालिब जमीन पर थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। अजीज, तुमने ये क्या किया और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी एंगेजमेंट छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? अजीज, तुमने मेरे बाबा को क्या कहा है जो वो यहां तक पहुंच गए? अजीज, अब तुम चुप क्यों हो? तुमने गालिब साहब को जो कुछ कहा वो बताओ। अगर वो इस हालत में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अजीज, हमें मकसूदे को जल्द से जल्द बताना होगा। बता दो उसे, और ये भी कहना कि आज वो मौत के बिस्तर पर अजीज की वजह से है। अजीज,